नरेंद्र मोदी की ये सीधे तस्वीरें आप लेपाक्षी मंदिर से देख रहे हैं। रामायण में भी लेपाक्षी मंदिर का जिक्र है, जब माता सीता को रावण अगवा करके लेकर जा रहा था। ऐसे में एक युद्ध हुआ, भीषण युद्ध ये था जटायु और रावण के बीच में, और ऐसे में रावण जब घायल हो गए, घायल होकर वो गिर पड़े, तो उन्होंने भगवान श्री राम की बाहों में दम तोड़ा था और इसीलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप इस मंदिर में देख रहे हैं, किस तरीके से पूजा पाठ वहां पर किया जाता है, और लेपाक्षी मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ठीक उससे पहले, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम अनुष्ठान करेंगे, ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें आपको याद होंगी कि आखिर किस तरीके से नागपुर में अनुष्ठान की शुरुआत की गई थी। और जिस तरीके से जो मुख्य पुजारी है उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि न्यूज 18 इंडिया को कि अनुष्ठान के दौरान कौन कौन से नियमों का जो है 3 दिन पहले से पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना लगातार करेंगे, दान पुण्य करेंगे, साथ ही किसी गद्दे पर नहीं सोएंगे, जमीन पर चटाई बिछाकर सोएंगे, खान पान का जो है साफ तौर पर ध्यान रखा जाएगा, यानी कि फल पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो उन तमाम अनुष्ठानों को पूरा करते हुए इन सब के बीच में पीएम मोदी पहुंचे हैं वीरभद्र मंदिर, जहां पर पीएम मोदी जो है वो किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं वीरभद्र मंदिर की, जहां पर पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान वहां पर किए जाते हैं उन सभी को पूरा करते हुए यहां पर पीएम मोदी आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं पीएम, उसके बाद वो केरला भी जाएंगे। पीएम मोदी ने लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की, और फिलहाल आरती करते हुए पीएम आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तल्लीन मुद्रा में मग्न होकर आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेपाक्षी मंदिर को ऐतिहासिक कारणों से तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा इसके आर्किटेक्चर और जिस तरीके से इंजीनियरिंग इस मंदिर को बनाने में की गई है, लगभग 15वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होती हैं। लगभग 70 से ज़्यादा स्तंभों पर ये मंदिर जो है वो खड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक स्तंभ ऐसा भी है जो कि मंदिर को संभाले हुए है लेकिन हवा में तैर रहा है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम लेपाक्षी मंदिर पहुंचे हैं। लेपाक्षी मंदिर का जिक्र रामायण में भी होता है, महत्ता त्रेता युग के काल से है, और वो इसलिए है क्योंकि जटायु ने यहीं पर भगवान श्री राम के बाहों में दम तोड़ा था। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनंतपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई जो है 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और उससे पहले अलग अलग जगहों से लगातार हम तस्वीरें देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो नागपुर हो चाहे वो अनंतपुर हो। और देखिए लेपाक्षी मंदिर के बारे में आपको बताया कि आखिर जो है क्या कुछ है, स्कंद पुराण में जो है मंदिर का वर्णन किया गया है, ये आपको बता रहे कि आखिर क्या कुछ जो है इसका इतिहास रहा लेपाक्षी मंदिर का। और वहीं की ये सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। 108 दिव्य क्षेत्र में ये मंदिर जो है शामिल है, लेपाक्षी पाप नाशना के रूप में जो है इसका वर्णन किया गया है, भगवान शिव को समर्पित है ये। लेपाक्षी मंदिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मान्यता के अनुसार रामायण में भी वर्णन है, जटायु को श्री राम ने कहा था लेपक्षी, और उसके बाद से ही लेपाक्षी हो गया। तेलुगु की अगर बात करें तो तेलुगु में लेपक्षी का मतलब होता है पक्षी उठो। एक और मान्यता के अनुसार लेपाक्षी कहा जाता है, लेपाक्षी का मतलब ये होता है कि शत विशत आंख, यानी कि जटायु उस वक्त शत विशत हो गए थे। मंदिर में शत विशत आंख वाली एक पेंटिंग भी रखी गई है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में यहां से वहां पूजा पाठ करते हुए अनुष्ठान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आपको दिखा रखे हैं। देखिए किस तरीके से लेपाक्षी मंदिर जो बना है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे माने हैं कि राजा अच्युत्य राय ने जो है ये मंदिर बनवाया है, ये आपको इतिहास बता रहे कि आखिर ये मंदिर जो है कब बना, क्यों ये मंदिर इतना जाना जाता है, और पौराणिक कथाओं में जो इसका किस तरीके से जिक्र है। 20 शिलालेख जो है इस मंदिर में है, ये लेपाक्षी मंदिर बना है 1583 ईस्वी का, ये बताया जा रहा है सबसे पुराना शिलालेख 1583 ईस्वी का है। और ये जानकारी दी जा रही है कि कब ये लेपाक्षी मंदिर बना, उससे पहले कि आपको ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव का महादर्शन कहा जाता है, मंदिर की छत पर भगवान वीरभद्र का जो है चित्र नजर आ रहा है, जो अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर पीएम मोदी वो चित्र देखते हुए नजर आए थे। 23 फीट लंबा 13 फीट चौड़ा भगवान का चित्र जो है, ये देखिए सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन ठीक इससे पहले की तस्वीर आपको याद होगी जब उसी चित्र को पीएम देखते हुए नजर आए थे। एशिया का सबसे बड़ा दीवार पर बना हुआ ये चित्र माना जाता है।
तो पीएम की एक बार फिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेपाक्षी मंदिर पहुंचे हैं, बैंगलोर से लगभग 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जबकि दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर लेपाक्षी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। तमाम अनुष्ठानों को पूरा करते हुए बड़ी तल्लीनता के साथ भाव भंगिमा प्रधानमंत्री की आप देख पा रहे हैं। साथ साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बता रहे हैं कि मंदिर की क्या खासियत है। मंदिर में 70 खंभे हैं, एक खंभा जमीन से जुड़ा नहीं है, जिस पर आए दिन कई प्रोग्राम भी आपने देखे होंगे और इस चीज को लेकर दुनिया भर में आश्चर्य भी रहा है, आश्चर्य विषय भी रहा है। मंदिर में हैंगिंग पिलर का रहस्य क्या है, ये आज तक हालांकि कोई समझ नहीं पाया है। कई बार कोशिश की गई है कि मंदिर के नीचे से कपड़े निकाले जाए, अखबार निकाला जाए, वो पूरी तरीके से आर पार हो जाता है।